यहाँ पे मैं जो है ना सहरी तैयार करने लगी और लाइट नहीं आ रही अंधेरे में, तो दूध निकाला है, चाय साथ बना रही हूँ। सारे मैंने जो सारे ने ये गर्म किया है और रोटी बनाने लगी हूँ। और देखिए पराठे का दिल कर आज पराठा बनाऊँ, जो सालन हलवा को तो गोश्त के साथ पराठा अच्छा लगता है। यहाँ पे हमारे पास सहरी का सामान रेडी है, हम सहरी कर लेते ही बाकी भी रोटी बना के रख रही हूँ। ये देखिए कितना मैसी हुआ है, साथ साथ साफ कर रही हूँ, चीज़ें संभाल रही हूँ, सेट कर रही हूँ किचन। जैसे कि मैंने आपको कहा किचन का टूर इंशाल्लाह ताला जल्द दूंगी। नीचे देखिए ज़रा, ये ना स्टोर बनाया हुआ था मैंने। ये देखिए कितना गंद है ना, ओए ओए कितना गंद है। तो बस इसको सबको संभालना है। अभी कुछ कैबिनेट्स मैंने खाली किए हैं लाइक दिस, तो अंदर मैंने बर्तन रखे हैं और ये सामने वाला किया है। ये बस ऐसे ही कर रही हूँ, सेट कर रही हूँ। और ये मैंने हार्पिक से भी वॉश किया और कितना न्यू हो गया है ना, और हाथ पे मेरे जलन भी हो रही है। ये बाल्टी धोई है मैंने अच्छी तरह, हार्पिक से बहुत गंदी निशान पड़े हुए थे और ये सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं। अब चीज़ों को उसकी जगह पे रखूँगी, अभी सेट करूँगी, अभी बहुत काम है, बहुत काम है, बहुत काम है। और यहाँ पे मैं खाना खाने लगी हूँ। आप जैसे कि जानते हैं मैं इफ्तारी में सिर्फ डायरेक्ट खाना ही खाती हूँ और कुछ नहीं खाती, क्योंकि मैं वेट गेन नहीं करना चाहती। बा सो जाओ मेरा बच्चा, आप सो जाओ, बहुत हो गया, बहुत टाइम हो गया यार। मम्मा के सर में बहुत दर्द हो रही है, साथ ही मम्मा ने व्लॉग भी शूट नहीं किया बेटा। मम्मा को तंग ना करें, सो जाएं। इबा ओ पारी नोजी वाली, आज इसने अपनी नाक को खराब करने के फुल चाले की, एक अंगूठा एक उंगली नाक में अड़ा के यूं खोल रही नाक, इतनी प्यारी नोजी को ख़राब करने लगी थी। मम्मा ने फिर इसको कहा हिबा ऐसे नहीं कहते, फिर हिबा अच्छी बच्ची है। तो हिबा ने मम्मा का कहना मान लिया, ऐसे ही है ना, नहीं माना, माना नहीं माना, चले अपनी जगह पे, मम्मा की जगह छोड़ दें। हमें इस जगह पे कब्जा करके लेटी हुई है, ये सब सोई ना करते हैं हिबा, मम्मा को लेटने दो बेटा, मैं उधर चल जाऊँ फिर उस जगह पे जाके सो जाऊँ। बताएं उधर चल जाऊं, मेरे ऐसे सर दर्द से बुरा हाल हो रहा है। ये बच्चा जो है फुल एक्टिव है, मुझे ऐसे सो जाए तो मैं भी सो जाऊं। टाइम देख लें, पीछे 11:15 हो गए हैं, बहुत नींद आ रही। पानी। वो सहरी के बाद इतनी मुश्किल नींद आती है और फिर सो जाते हैं और फिर सुबह फिर उठ जाते हैं। जब ये मेरा ये बच्चा उठता है, मेरा बच्चा सही टाइम भी उठ जाता है। इन चैनल को सब्सक्राइब करें, करें। जो भी चैनल पे न्यू करनी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और शेयर करें। ये हिबा का चैनल है, डू सब्सक्राइब, डू सब्सक्राइब। ये मेरा बेबी सो गया, अभी इसको सिचुएशन इसकी ठीक करनी है। टाइम हो गया 11:30, सॉरी 12:30 हुए थे शायद, इस वक्त 11:15 ही थे, इसको थोड़े देर इतना टाइम लग गया है। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ मैसी किचन, मेरा बहुत काम किया आज मैंने, बहुत ज़्यादा काम किया, अभी सारा क्लीन करना है, अब हिम्मत नहीं। फाइनली ही वाको सुनाने के बाद किचन में आ गई हूँ, तो बड़ा शौक है मुझे किचन सेट करने का। अल्लाह मेरे सर में इस कदर दर्द, अफ्तार के बाद से शदीद दर्द शुरू हो गया यहाँ पे, बहुत ज़्यादा। मैं $1 शॉप पे गई थी, उसके बाद से सर में दर्द इतना शुरू हो गया। मैं कहा चलो, हिबा घर में थी नहीं, दूसरी मम्मा के घर गई थी, मैं कहा चलो मैं $1 से वो छोटी छोटी किचन की चीज़ें लेनी थी वो लेने के लिए गई थी, वो तो मिली नहीं, खैर कुछ और ही लेकर मैं आ गई। तो बस अल्लाह करे तो सर दर्द ठीक हो जाए, अल्लाह बहुत सर में दर्द हो रहा है। इतने प्यारे बाउल लेकर आई हूँ, आप लोग को दिखाती हूँ, मैं बहुत प्यारे बाउल लेकर आई हूँ। आज मैं $1 से लेकर आई हूँ, $1 का नाम ही है, हर चीज़ से डिफरेंट प्राइस है। एक ये स्पाइस बॉक्स लेकर आई हूँ, 4 की पार्टीशन के साथ है, ये लेकर आई हूँ। मुझे पसंद ही नहीं कोई आ रहे, बस ये थोड़े डिफरेंट लगे, दोनों एक जैसे नहीं थे, इसमें से दोनों डिफरेंट ले लिया, ये लिए हैं मैंने। इसके अलावा ये मैंने बाउल लिया है, बाउल प्लस बास्केट है, रेड कलर में ही अवेलेबल थी। और ये देखें प्राइस मेंशन है, 250 रुपये का ये आया है। और ऐसे करें तो स्ट्रेन करने के लिए, ड्रेन
फिर देखते हैं, तो बास्केट आगे कुछ गिरता नहीं है, कोई दाल वगैरह धोनी हो, चावल भी धोने हो। साइज भी इतना बड़ा नहीं है, बट ठीक है, जितना मैंने ऊपर यूज़ करना है उसके लिहाज से ठीक है। इसके अलावा मैंने ये वाले दो बाउल लिए हैं, क्योंकि मुझे बहुत ही खूबसूरत लगे थे ये दो बाउल लिए हैं। ग्रीन इज़ अ मोस्ट फेवरेट कलर इन प्लास्टिक, तो मैं ग्रीन ही ज़्यादा प्रेफर करती हूँ, ब्लैक के साथ ग्रीन का मुझे अच्छा लगा। ये दो बाउल लिए, 300 ईच आया है। ये वाला बाउल बहुत अच्छी क्वालिटी में है। इसके अलावा मैंने ये एक छोटा सा क्यूटू सा जग लिया है ये, और दिखाती हूँ, ये भी 300 में ही आया है। अब ऐसी बात है, फिर इसे खोलना है और एक ये लाइक दिस, और ये जग है, क्वालिटी वाइज अच्छा है, अच्छी प्लास्टिक है इसकी, और इस तरह की 6-4 कप हैं इसके अंदर जो कि अनब्रेकेबल हैं। तो बच्चों के साथ तो प्लास्टिक के बर्तन ठीक रहते हैं, वैसे मुझे प्लास्टिक के बर्तन पसंद नहीं, मैं चीनी के बर्तन यूज़ करती हूँ। तो वो देखें चीनी के बर्तन पड़े हुए, मैं चीनी ही यूज़ करती हूँ, नीचे भी ऊपर भी, मतलब मुझे प्लास्टिक, मैंने अपनी शादी में कोई प्लास्टिक का मतलब बर्तन लिया ही नहीं, क्योंकि मुझे प्लास्टिक यूज़ ही नहीं करनी है, मैं बीमारी का घर। तो ये चीज़ें मैं लेकर आई हूँ, मतलब बाउल चावल दाल चावल धोने के लिए, ये तो प्लास्टिक का यूज़ होता है, ऑयल जग प्लास्टिक का लिया था मैंने, लाइक दिस कि मैं, मुझे ये प्लास्टिक के नहीं, मुझे सिरेमिक के या फिर चीनी के बर्तन पसंद है, मार्बल भी मुझे पसंद नहीं है। सारा दिन काम करते करते रोजे की हालत में काम करते करते इतना टाइम नहीं था मैं शूट कर सकती, बहुत मैंने किचन का काम किया। नीचे स्टोर को किचन में कन्वर्ट करना इट्स नॉट अ इजी टास्क, मैं कर रही हूँ, तो मेरे सर में बहुत दर्द है। मैं अपना व्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ, टूटा फूटा छोटा मोटा व्लॉग, क्योंकि आप लोग कहते हैं कि स्किप नहीं करना आपने, आपने व्लॉग अपलोड करना, छोटा करें, 3-4 मिनट का करें, जितना भी करें व्लॉग अपलोड होना चाहिए, तो व्लॉग अपलोड हो जाएगा ये। तो उम्मीद करती हूँ आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा, अच्छा लगा लाइक कर दीजिएगा, सच को मैं सच में जरूर बताएगा, चैनल में तो लाइन सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह किचन को लश पश करके ना आपकी बहन आपको किचन का टूर करवाएगी इंशाल्लाह ताला। तो तब तक के लिए अपनी दुआ में याद रखिएगा, इंशाल्लाह कल न्यू ब्लॉग के साथ मिलूंगी, तब तक के लिए हाफिज़।